हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट क्लास लेकर। और इस डॉट क्लास में फिर से मेरे पास चार सवाल हैं। देखिए, इस वीडियो इस क्लास में जो भी सवाल हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे सवाल हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे कैलकुलेटिव हैं कि आपको देख कर यकीन नहीं होगा कि मतलब इस तरह के सवाल भी आते हैं। हालांकि इस तरह के सवाल आने बंद हो गए, नहीं आते इस तरह के सवाल, लेकिन आपको आना चाहिए। कैसे बनाते हैं तरीका आपको बताना चाहिए। और इससे क्या होता है, इस तरह के हाई लेवल जो सवाल बनाते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत टफ होता है, आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल देखिए आप स्क्रीन पे क्या खड़ा है। तो सिंपल सा सवाल है, छोटा सा, लेकिन आपको हो सकता है तकलीफ दिया होगा क्योंकि मेरे पास आया तो परेशानी तो आपको हुई होगी थोड़ी बहुत। कर अ पार्ट ऑफ 44500 इज लेंट आउट एट 15% इंटरेस्ट पर 6 मंथ। ये चीजें मैं बहुत पहले आप लोगों को बताया था कि अभी तक आप जो सवाल देख रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट की बात करो, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज के जितने भी सवाल अभी तक आप देख रहे हैं उसमें रहता 10% सालाना, 12% सालाना, 5% सालाना, 20% सालाना। ऐसा हो सकता है कि सवाल दे दे इतना परसेंट छमाही, जो कि इस सवाल में डायरेक्टली दिया हुआ है। ऐसा हो सकता है कि दे दे 10% पर 2 ईयर। मतलब आपको ईयरली का जो आदत लगा उसको आप हटाइए, क्योंकि ईयरली का अगर आदत आप लगा लिया है तो आपका गलत है वो। आप ये सिर्फ देखिए कि इंटरेस्ट के कैसे बात किया है। जरूरी नहीं है कि वो साल में आपको बता दे, हर बार साल में ही बताए कि 10% लेंगे, 20% लेंगे। ऐसा हो सकता है वो बता दे 5 साल में 10% लेंगे, तो फिर वहां पे आपको तैयार रहना है उस चीज के लिए। अब ये सवाल देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। कह रहा है कि 45,500 रुपये को 2 भाग में बांटा गया है। पहले को 15% सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया गया, लेकिन जो 15% लग रहा है हर एक 6 मंथ पे पैसा लग रहा है 15%। फिर बोल रहा है कि और जो रेस्ट है उस पैसे को 18% के हिसाब से लगाया गया है और ये ईयरली लगाया गया है। ये क्लियर कट ऐसा बोला हुआ है सवाल। अब इसके बाद आपसे जो बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर्स फ्रॉम द टाइम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज लेंट आउट इज 10:3, फाइंड द सेकंड पार्ट दैट वाज लेंट आउट एट 18%। एक बात बीच में और बोला है, कर द रेस्ट अमाउंट इज लेंट आउट एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। मतलब पहले इसको 1 साल के लिए इसको लगा दिया पैसा, 1 साल के बाद बचे हुए पैसे को फिर से लगा दिया है और टोटल देखता है 4 साल बाद। मतलब इसको टोटल 4 साल इस पे इंटरेस्ट कमाया और इस पे कितना साल इंटरेस्ट कमाया, मात्र 3 साल। और ये देखता है तो देखता है कि ब्याज का जो रेशियो है वो 10:3 का है। क्या करा, फर्स्ट अमाउंट वाज लेंट आउट एट ना द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट, हाँ रेशियो ब्याज देख रहा है कि 10:3 के अनुपात में है। तो आपको बता दिया कि ब्याज का अनुपात कितना है, 10:3 का है। तो आपसे पूछ रहा है कि 18% पे, मतलब सेकेंड अमाउंट जो लगा था वो कितना रुपया लगाया गया था। अगर आप फिर से पूरी कहानी समझ गए हैं यहाँ से, या फिर से मैं बताऊं, आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको चीजें समझ में आ जाती है एक बार में, या फिर आपको बार बार बताने की जरूरत है। तो इतना ही सवाल था, सवाल में कुछ नहीं। आप मुझे बताइए कि अगर 6 महीना पे 15% लग रहा है तो पूरे 4 साल में कितने बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 6-6 महीने के हिसाब से। तो कहेंगे सर 8 बार। इसका मतलब इस पे टोटल ब्याज कितना लग जाएगा, तो कहेंगे सर 120%। यहां तक क्लियर है। ये जो भी धन है आप कहेंगे सर ए, मैं कहूंगा बी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ए पे 120% का ब्याज आप कमा चुके हैं पूरे 4 साल में। बी पे जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा बी पे 18% 1 साल में मिल रहा है, मतलब 3 साल में 54% मात्र मिलेगा। बी पे आप 54% ही ब्याज कमाए हैं और इसी दोनों ब्याज का रेशियो 10:3 का दिया हुआ है। इतना सा सवाल। आप मुझे बताइए, अगर इस दोनों का रेशियो 10:3 का दिया तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, या तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना लिखिए, या जैसे लिखिए। आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको इसके नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 18 आ गया। देखते जाइएगा परसेंटेज परसेंटेज कटा, ये आपका यहाँ आ गया। देखिएगा ए बटा बी मैं निकाल रहा हूँ क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे ए बटा बी जो आएगा वहाँ 18, यहाँ 12 है, तो 18/12 आ गया, जो कि फाइनली आपका 3/2 हो गया। मतलब जो पैसा बटा था वो 3 और 2 के अनुपात में बटा था। आपको बी की वैल्यू पूछ रही थी, 2 की वैल्यू पूछ रहा है, टोटल 5 की वैल्यू कितना दे रखा है, तो कहेंगे सर 44500 5 की वैल्यू, 2 की वैल्यू तो आप कहेंगे इतना बटा 5 और 2 की वैल्यू आपसे पूछूंगा तो यही कहेंगे आप। गुना कर लें, इसको जोड़ घटाव कर लें, तो 5 8 5 9 0 0 और 0 0 9 2 18 8 2 9 16 17 17800 रुपये था वो आपको बी के रूप में लगाया गया था, जबकि पहले पे बचे हुए धन को लगाया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, देख लिया होगा आपने कि क्वेश्चन छोटा सा ही था। यहाँ पे जो दिक्कत थी समझने में, वो आपको हाफ ईयरली जो लगा दिया था उसके कारण शायद आपको दिक्कत होगा, या फिर ये समझने में दिक्कत होगा कि 1 साल बाद मतलब क्यों ऐसा। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूला मतलब एक एंगल की जरूरत पड़ेगी
ये जो क्वेश्चन इसमें बोल रहा है 120 डिग्री का एक एंगल वाला ट्रायंगल है, तो आपका इसका नाम दे रखा है क्यू, इसका नाम पी और इसका नाम आर। एंगल क्यू पे बोल रहा है 120 डिग्री बन रहा है, फिर बोल रहा है एस कहीं पे पॉइंट इस तरह से है कि पी क्यू एस 75 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब 45 बनेगा। आपसे बोल रहा है कि पी क्यू जो है 16 है और क्यू आर आपका 15 है, आपको बताना है क्यू एस। इसमें जो मैं बताया कि आपको एक एंगल की जरूरत पड़ेगी वो एंगल ये है टैन 15। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है ये, और ये मैं पहले भी क्लास में बताया हूं कि टैन 15 की वैल्यू आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। टैन 15 की वैल्यू इसलिए याद रहनी चाहिए क्योंकि इसका बहुत जगह जब क्वेश्चन एंगल पे कॉम्प्लिकेशन करेगा, एंगल पे क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करेगा, आपको परेशान करेगा, तो यही एंगल आपका हेल्प करने वाला है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको एक्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका आपका इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर टोटल का एरिया। तो इसका एरिया आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 1/2 गुना 16 गुना एक्स और गुना साइन 75, यहां तक आप कर देंगे। फिर मैं आपसे पूछूंगा इसका एरिया, तो आप कहेंगे सर इसका एरिया 1/2 गुना एक्स गुना 15 गुना साइन 45, और आपसे पूछूंगा टोटल एरिया, तो आप कहेंगे सर 1/2 गुना 16 गुना 15 गुना साइन 120। अब देखिए यहां पे साइन 75 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर कॉस 15, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और 75 को 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, मतलब ये कॉस 15। जैसे ही कॉस 15 लिख लिया, उसका अगला स्टेप आपको 1/2 सारे जगह दिखा कैंसिल आउट कर दिया आपने, एक्स कॉमन ले लिया, तो 16 गुना कॉस 15 आप यहां से बताइए, तो आप देखिए इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं पी। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, एच स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप एच निकालेंगे तो पी का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 और इसका रूट आपका ये कैंसिल आउट हो गया, 3 × 4 = 4 = 8 हो गया आपका 2√2 आ गया। तो आपका कॉस क्या होता है बी बटे एच, तो रूट 3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2√2। यहां से x कॉमन ले लिया तो 15 बचा, साइन 45 तो कहेंगे सर 1/√2। अब यहां से आपके साथ सामने क्या आ रहा है, तो कहेंगे सर cos 120, cos 120 को क्या लिखेंगे 180 माइनस 60, सॉरी sin 120, तो sin 180 माइनस 60 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और sin 180 माइनस 60 होता है sin 60 और ये होता है √3/2। ये 2 से ये कट गया 8 और यहां पे आ गया 120√3। यहां तक अगर क्लियर है तो आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना, 2 से काट दीजिए 8 और यहां पे आप एक स्टेप यहां देख लीजिए, तो जो स्टेप आपके सामने आ रहा है देखिए क्या आ रहा है, 8 √3 प्लस 8 × 1 = 8 प्लस 15 √2 और ये आपका x था बाहर में और ये कितना आ गया आपका 120√3। तो x की जो वैल्यू आई 120√3 गुना √2 / 8√3 प्लस 23 जो कि आ गया 120√6 / 8√3 प्लस 23। अब देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हो सकता है कुछ ऑप्शंस में आपका इधर उधर हो, मतलब फॉर्मेट अलग हो लिखने का, तो वो आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। क्लियर है, तो मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप ही का है और ये भी क्वेश्चन काफी शानदार है, मतलब क्वेश्चन जो आपने भेजा है उस सारे दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थे ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन भी आपका कैलकुलेटिव ही है, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो पिछले से भी ज्यादा परेशानी है। परेशानी होने का रीजन क्या है, आप एंगल देख लीजिए एंगल के साथ क्या किया गया है। ये जो आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, करें द गिवन ट्रायंगल एबीसी एसी 16 है, एक ट्रायंगल एबीसी इस तरह का ए बी सी, आपको बोल रहा है एसी 16 है, चलिए एसी 16 है, बीसी 12 दिया हुआ है, फिर बोल रहा है सी 70 है, अच्छा इसमें एक एडी भी दिया हुआ है परपेंडिकुलर, बोल रहा है सी एंगल जो है ये 70 डिग्री का है, बी एंगल बोल रहा है 80 डिग्री का है, देखिएगा बड़ा अच्छा से, और एडी की लंबाई आपको बतानी है, इसको मैंने एक्स बोल दिया एडी है। फिर देखिए सवाल सेम है लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें ये दिया हुआ ये नहीं दिया हुआ है। दूसरी चीज है ये 70 या 90 है तो ये आपका 20 हो गया, जो कि आपको साइन 20 का वैल्यू नहीं पता, या 80 है या 90 है तो ये 10 हो गया, आपको साइन 10 का नहीं पता। तो इस तरह के सवाल में आपको सबसे सिंपल, लेकिन यहाँ हिंट क्या है इसके बारे में
कि ये 90 डिग्री है, तो मैं अगर इसको y बोल दूं थोड़ी देर के लिए तो आप 12 माइनस y इसको बोल देंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यहां से आप बोल देंगे सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो होगा 16 स्क्वायर। यहां से आप बोल देंगे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए सी बोल रहा हूं क्योंकि सी के सामने और ये सी निकालना पड़ेगा। कैसे सी निकालेंगे? आपको ये एंगल नहीं पता है, आपको ये एंगल नहीं पता है, ये 30 डिग्री टोटल है, तो इसमें आप लगा दीजिए cos, तो cos 30 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये टोटल 12 था, बटा 2 गुना सी गुना 16। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड जाएगा इसका, आप ऑप्शन से देख रहे होंगे। cos 30 यहीं से देखिए शुरू हो गया, रूट 3 बाई 2, सी स्क्वायर 16 माइनस 12 कितना होता है 4, और 16 गुना 12 कितना होता है 28, और यहां से 2 गुना सी गुना 16, मैं 2 से 2 काट दिया, 16 रूट 3 यहां आ गया। अब देखिए मैं एक स्टेप यहां से चोरी कर रहा हूं, तो आपका सी स्क्वायर यहां है, यहां कितना 28 गुना 56 गुना 112 दिख रही आपको, देखिएगा, और ये कितना है 16 माइनस में आ जाएगा 16 रूट 3 सी, और ये हो गया 0। ये स्टेप अगर समझ में आ गया है तो यहां से आपको सी निकालना होगा, और आपको मैं बता दे रहा हूं कि सी निकालने के लिए इसको फैक्टर करते हैं। इसको फैक्टर करने के पहले रूट 3 इसमें से हटाएंगे, रूट 3 एक बार नहीं दो बार हटाएंगे, मतलब 3 यहां से हटाएंगे, तो आपका बचेगा 34 को दो नंबर में तोड़ेंगे तो 16 नहीं आएगा, क्योंकि 17 गुने 2 होता है, तो 16 डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपको यहां से दूसरा मेथड लगाना होगा इसको ब्रेक करने का। जो मेथड दूसरा ब्रेक करने का वो आप देखिएगा बड़े अच्छे से, एक तो फॉर्मूला पे तोड़ देंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a पे। दूसरा तरीका मैं साधारण बता रहा हूं, थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा यहां पे ताकि नेक्स्ट टाइम से आप इसको अप्लाई कर सके। माइनस 1 12 ये जो कॉन्स्टेंट है इसको बाहर कर दीजिए, इसका आधा कर दीजिए, जो सी के साथ दिया हुआ जो एक्स के साथ दिया हुआ है इसको आधा कर दीजिए, और आधा करके इसको लिख दीजिए कितना आ गया 8√3, और इसको होल स्क्वायर में डाल दीजिए, जो साइन यहां है वो साइन यहां पे आएगा। मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप देखिए आपने सी स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2ab होता है 8 गुना 16 रूट 3 ये भी लिखा गया सी के साथ। आपने एक चीज एक्स्ट्रा लिख दिया है, क्या एक्स्ट्रा लिखा है, तो कहेंगे सर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना होगा 64 गुना 3 192, तो ये जब एक्स्ट्रा ऐड किया तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब जिस जो आप यहां पे लिख रहे हैं उसका स्क्वायर आपको उल्टे साइड ऐड करना होगा। यहां से आप मुझे बताइए कितना गया, तो आप कहेंगे सर 80, सी माइनस 8√3 का स्क्वायर अगर 80 हो गया है तो सी की वैल्यू डायरेक्ट बताइए, तो 2 से यहां ले जाएंगे रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16, मतलब 4√5, और ये माइनस उधर जाकर प्लस में जाएगा 8√3, तो ये आपका निकल कर आ गया, ठीक है, ये सी निकल कर आ गया। यहां पे आप सोच रहे होंगे सर यहां प्लस माइनस आपने क्यों नहीं लिया, आप फॉर्मूला से बनाएंगे तो भी सेम चीज आएंगी, मैंने माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखिए 80 के सामने 16 है, 30 के सामने 12 है, और 70 के सामने क्या होगा 16 से छोटा होगा और 12 से बड़ा होगा, आपको पता है बड़ा एंगल तो सामने की भुजा बड़ा, तो 30 के सामने की भुजा का टोटल 12 है तो 12 से तो बड़ा ही होगा क्योंकि हम 70 के सामने की भुजा निकाल रहे हैं, इसलिए हमें प्लस देना पड़ा, क्लियर। सी के जो वैल्यू आपको निकल कर आई है ये 4√5 प्लस 8√3 आई है। अगर आप यहां तक समझ गए हैं तब आगे आपके पास स्टेप्स और कॉम्प्लिकेटेड आने वाले हैं। देखिए कैसे, आप वहां से मैंने आपको क्या बोला कि 12 ध्यान दीजिएगा 12 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर आप लिखेंगे 4√5 प्लस 8√3 का स्क्वायर। इस ट्रायंगल में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर, आपको निकालना है एक्स, लेकिन आपको एक्स डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते, आप दोनों को देखें आपको पहले वाई निकालना होगा, तो वाई निकाल लीजिए, आप इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, दिस माइनस दिस नीचे लिख दूं क्या, चलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपको दिक्कत हो। अब देखिए माइनस करने का तरीका बता रहा हूं, सिंपल तरीके से सबट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, कैसे माइनस करते हैं आसान तरीके से, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना आए। आपको यहां पे नंबर आने वाला है तो यहां पे आपको दिक्कत है, यहां पे आपको दिक्कत है, तो आप क्या करेंगे ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फॉर्मेट में आएगा तो a plus b दोनों को जब ऐड करेंगे तो 12 माइनस वाई प्लस वाई आ जाएगा, और a माइनस बी तो 12 माइनस वाई आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? इससे क्या होता है कि अगर आप ये स्टेप करना चाहते हैं तो आप इसको इतना लंबा ना डायरेक्टली आप लिख सकते थे, इसको आपको कंबाइंड करना ही है क्योंकि दोनों नंबर्स है, तो आप इसका सीधा स्क्वायर करके तोड़ते निकल जाइए, तो देखिए क्या हो जाएगा 4 4 16 25 80 हो जाएगा ए स्क्वायर
64 गुना 3 6 18 192 हो जाएगा, प्लस ध्यान दीजिएगा 8 4 32 गुना 64 रूट 15, माइनस में क्या आ जाएगा 256। स्टेप देखिएगा बड़े आराम से, स्टेप्स आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन इसमें है। तो आपको यहां से चीजें दिख गई है, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, ये शायद नहीं दिख रहा है तो आपको मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, 64 रूट 50 है ये। अब मुझे बताइए यहां से आप कितना निकाल कर ले आए हैं, देखिए 22 से 22 कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए कि 12 यहां है, 12 ये बाहर आ गया, इसका 2 कॉमन ले लीजिए और 6 माइनस 22 ये बच गया, 12 माइनस 2 होगा। अब मुझे बताइए इन दोनों को जोड़ लीजिए आप तो कितना जाता है 272, उसमें से 256 आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा क्या, देखिए तो 6 16, और ये 16 प्लस में है, प्लस 64 रूट 50, आपको 22 निकालना था। चलिए डिवाइड तो करना ही पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन में तो आना ही है, तो आपको पता चल गया 6 माइनस 10 8 से काट दे रहा हूँ, 8 दोनों 16 88 64 और 8 24, तो 2/3 माइनस 8/3 रूट 15 और ये आ गया 22। मैंने क्या किया 6 माइनस 22 की वैल्यू इतनी आई तो 6 को यही रहने दिया, इसको इधर लेके चला और 22 को उधर लेके चला गया। तो आपको जो निकल कर आया 18 माइनस 2 कितना होता है, यहाँ 3 और 3 कर दिया तो 18 माइनस 2 16 माइनस 8 रूट 15 बटा 3 जो आ गया, ये आपका 22 आ गया। इसको और छोटा करके आप लिख लें तो 8 और 2 माइनस रूट 15 बटा 3 ये आपका 22 आ गया। बात अभी खत्म नहीं हुई है, एक स्टेप और है, हमें निकालना है x। तो यहां से देखिए x क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर x जो होगा, x स्क्वायर जो होगा वो 16 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर होगा, मतलब अभी इसमें 16 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर करना है। तो थोड़ा सा बोर्ड में भी डाल दे रहा हूं इस स्टेप्स को। तो आप मुझे बताइए कि 16 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जो होगा 16 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर, 22 स्क्वायर कीजिए तो आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस रूट 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर यहां से कॉमन ले रहा हूं तो आपका बचेगा क्या, तो आप कहेंगे सर 8 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 8 स्क्वायर, नीचे से 3 स्क्वायर भी कॉमन ले लिया हूं, यहां 3 स्क्वायर बटा 3 स्क्वायर कर दिया, सब जगह बराबर हो गया नीचे। तो देखिए 8 स्क्वायर यहां से कॉमन लिया हूं, समझिएगा अच्छे से, यहां 8 स्क्वायर था, यहां 8 स्क्वायर कॉमन लिया हूं, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर 36 बच गया, समझ में आ गया। अब मुझे बताइए यहां से कितना बचा, तो कहेंगे सर ये तो कॉमन हो गया तो बचा सिर्फ इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 15 दिख रहा है, इसके बाद क्या बचा माइनस 4 रूट 15। अब मुझे बताइए ये हो गया आपका 8 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 36 माइनस 4 कितना हो जाता, तो कहेंगे सर 32, 32 माइनस 15 तो कहेंगे सर 17 और ये माइनस माइनस 4 रूट 15। इसको ध्यान से देखिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर में बदलेगा, तो कैसे बदलेगा इसको देखिए, 2 को बाहर कर दीजिए फिर 2 को बाहर कर दीजिए रूट 3 और रूट 5 कर दीजिए, सर फैक्टर किया हूं मैं, ये दो आपको हट जाएगा कंप्लीटली। अब इस दो पे, इस दो को आपको या तो इसके साथ रखना है या तो इसको इसके साथ रखना है और स्क्वायर करके जोड़ कर देखना 17 आ रहा है कि नहीं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाता है रूट 3 का 3 और रूट 5 का 5, तो अगर 5 के साथ 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और गुने 5 20 ज्यादा आ गया, तो 2 को इसके साथ रखिए तो देखिए कितना हो जाएगा 2 दूना 4 अतिया 12 और प्लस इसका 5 17, मतलब ये जो पूरा चीज है ये 2 प्लस इसका स्क्वायर है 2 रूट 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, सारे को स्क्वायर में लिख दिया तो यहां से मुझे निकलकर फाइनली जो आया है वो x क्या आया है देख लीजिए 8y3 इंटू 2 रूट 3 प्लस रूट 5, ये आपका x आया है जो हमें निकालना था। अब ऑप्शन मिला लीजिएगा, ऑप्शन किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, एक और सवाल है, ये दो सवाल जो थे काफी कॉम्प्लिकेटेड थे, इस तरह का सवाल पूछता नहीं था, मैं पहले बता दे रहा हूं, लेकिन हाँ आपको आना चाहिए, इससे आपका दो चीजें क्लियर होगी, एक तो कैलकुलेशन, दूसरा डर खत्म होगा आपके अंदर से, जब इस तरह के सवाल को आप सॉल्व करने लग जाएंगे बिना टेंशन लिए, आप जिसे कभी कभी क्या आता है आपको क्वेश्चन आता है लेकिन आप सोचते हैं सर इस तरह का सवाल तो आता नहीं तो क्यों बनाना, बनाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोला कि नहीं देंगे इस तरह का सवाल, ऐसा नहीं है, वो दिमाग फिरेगा तो वो दे देगा, ठीक है। जैसे ये सवाल देखिए एक अच्छा सवाल ये है,
ये सवाल इस तरह का शायद कराया हूं मैं, जो फोर्थ नंबर का सवाल है, बड़ा सुंदर सा सवाल है, समझिएगा इसको। कह रहा कि इन्हें ट्रायंगल एबीसी, चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, मैं ऐसे डायग्राम स्टार्ट कर रहा हूं, ये है, ये तीन भुजा ऐसे ऐसे बराबर कर दिया इसने, और इस दोनों से लेकर ऐसे कर दिया है, तो मैं भी ऐसे कर दिया, ये बराबर है, ये बराबर है, और यहां से किस तरह से लिया है, ये बराबर, ज्यादा बड़ा हो गया क्या, चलिए ये बराबर, ये आपको बोल रखा है तीनों बराबर है, नाम दे रखा है ए बी और इसका नाम दे रखा है सी, ये डी है, ये ई है। एक बात और कह रहा है ए बी जो है ए सी के बराबर, ध्यान दीजिएगा ये दोनों आपस में बराबर है, आपसे पूछ रहा है क्या, अच्छा कुछ और इंफॉर्मेशन दिया हुआ, एक इंफॉर्मेशन है कि बी ए सी ऊपर का जो एंगल है 32 डिग्री दिया हुआ है, ये 32 डिग्री दिया हुआ है, बी ई डी आपसे निकालना है, बी ई डी ये आपको निकालना है, छोटा सा सवाल है, हिंट बस पकड़ना है आपको, नहीं पकड़ पाएंगे तो दिक्कत, पकड़ लेगा तो अच्छी बात है। देखिएगा बड़े अच्छे से, मैं बोल रहा हूं ये 32 है, ये दोनों भुजा बराबर है, इसका मतलब ये पूरा कोण और ये पूरा कोण बराबर होगा, तो आप कहेंगे कितना होगा, तो आप कहीं 180 में से देख लीजिएगा, 180 में से आप 32 को माइनस कर दें तो आपका क्या मिल कर आएगा, 148। इसको दो भाग में बांट दें तो 74, मतलब ये भी एंगल आपको निकल कर आ गया 74 और ये भी पूरा निकल कर आ गया 74। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, आपको ये बोल रखा है बराबर है इसके साथ, मतलब ये भी और ये भी बराबर होगा, तो ये भी आपका हो गया 74। बड़े अच्छे समझिएगा, अगर ये 74 हो गया तो आप मुझे बताइए ये 74 है, ये 74 है, ध्यान से ये 74 ये 74, तो ये एंगल निकाल लेंगे तो कहेंगे सर 32 आएगा, कैसे 32 आएगा, आप कैलकुलेशन कीजिएगा, मैंने क्या किया, मैंने देखा ये 32 था तो 2 × 74 = 74, यहां भी देखा तो 74 = 74, तो 32 होगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्लियर है। अगर आपका ये 32 है तो आप ये एंगल मुझे बता सकते हैं, तो कहेंगे सर 74 में से 32 घटाएंगे तो 42, यहां तक क्लियर है। अब मुझे बताइए ये 42 है तो इस ट्रायंगल को देखिए आप, रेड वाले ट्रायंगल को, इसमें भी तो ये बराबर है इसके, इसका मतलब ये दोनों कोण टोटल क्या होगा आपस में, बराबर होगा, दोनों कोण बराबर होगा, इसका मतलब अगर 180 में से आप 42 को माइनस कर दे रहे हैं तो आपका कितना रहा, 138, इसका मतलब ये पूरा कोण आपका हो गया 69 डिग्री का, आधा था और ये पूरा कोण हो गया 69। यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक आपको क्लियर है सारी चीजें। अब बात क्या करनी है कि हमें निकालनी है ये एंगल, हमें ये एंगल निकालनी है, तो आप बताइए ये पूरा एंगल आपसे पूछूंगा तो आप बता सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा ये पूरा एंगल पूछूंगा तो आप बता सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर, कैसे बताएंगे आप, देखिए मेरी बात फिर से देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल को, ग्रीन वाले ट्रायंगल को, ये साइड बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, नहीं निकालेंगे आप, तो आप कहेंगे सर पूरा तो 74 है, तो मैं कहूंगा 180 में 74 को आप माइनस कर दीजिए, तो आपको निकल कर आ गया कितना, 106 डिग्री, आधा ये हो जाएगा 53 और आधा ये हो जाएगा 53। आप मुझे बताइए अगर ये 53 है और ये पूरा 69 है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 69 माइनस 53 और ये हो गया 16। इसको देखिएगा 2-3 बार और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अगर मिस करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था, वीडियो को देखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा आपको एक्सप्लेनेशन, कैसा लग रहा आपको पढ़ाए, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, दोस्तों को बोलिए कि आकर पढ़े, यहां से कोई भी दिक्कत हो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं, और तब तक आप इंजॉय कीजिए, मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।